वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। मैंने तीज में लुक क्रिएट किया था तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूं। तीज का मैं उपवास थी, यूपी का ट्रेडिशनल त्यौहार है तीज। जो यूपी को उनको तो पता ही है तीज का उपवास रहते हैं। तो मैं सोची थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी आज का, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई उपवास के चक्कर में, फास्ट के चक्कर में, तो मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मैं आपसे ऐसे ही बात करने वाली हूं। तीज होता है वहाँ पे, सब लोग तीज के दिन उपवास रहते हैं। लाइक सुहागने जो होती है, जिनकी शादियाँ हो जाती है, वो तीज का उपवास रखती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ये उपवास रखती है। और सारा दिन भूखी रहती है, बिना पानी के खाना खाए ऐसे रहा जाता है ये फेस्टिवल। तो 24 घंटा बिना पानी के रहा जाता है, तो मैं भी 24 घंटा बिना पानी के हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है उपवास रख के। तो और तो फिर मैं कल सुबह पानी पीऊँगी, सुबह 4-5 बजे के बाद पी सकते हैं, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। तो मैं सुबह उठूँगी तो मैं नहा धो के पूजा करके पानी पीऊँगी, और शाम को सेवा में पूजा करते हैं। लाइक ऐसे तैयार होते हैं सुहागने जैसे, और फिर जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं। तो मैं मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, और मैं बारिश के चक्कर में मैं वीडियो भी ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि बारिश में ब्लॉग का आवाज़ आती है तो वो अच्छा नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पर अभी। मैं लाइटिंग का भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको लगता होगा कभी मेरी बहुत वाइट दिखता है, कभी ब्लैक दिखता है, ऐसा कुछ लाइटिंग का है। तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी क्योंकि बारिश की वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है। मैं ऊपर ही शूट करती हूँ लेकिन अंधेरे की वजह से पूरा अच्छे से क्लियर से नहीं दिख पा रहा है। तो मैं उसका भी जल्दी सोल्यूशन लेके आने वाली हूँ कि मतलब लाइटिंग वाइटिंग अच्छा है, आपको अच्छी एकदम क्वालिटी में मेरी वीडियो मिले। तो और मैं बात कर रही हूँ तो तीज पे, तो ये मेरा ब्लॉग ही समझ लीजिए एक तरफ से। मैंने ब्लॉग में मेकअप भी बताया है कि मैंने कैसे मेकअप किया था और मैंने क्या क्या पहना था, और ये देखिए और मैंने कैसे कैसे लुक क्रिएट किया है, ये सारा मैंने बताया है आगे की वीडियो में। तो आप इंटरेस्टिंग हो तो आप देख लीजिएगा। और हाँ, लाइक शाम अभी शाम हो गई है तो अभी सुबह का बस वेट है, सुबह हो जाएगा फिर पूजा जा करके हम लोग चाय पानी कर लेंगे। और इसमें शाम को सब लोग फिर से सुहागने तैयार होकर पूजा करती है, मंदिर जाती है, वहाँ पे सारे सुहागने की चीज़ें चढ़ाती है, जो भी सुहागन यूज करती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर यूज कर चढ़ाती है। शंकर भगवान की अक्सर पूजा होती है, शंकर पार्वती माता की पूजा होती है, इसमें सब लोग पूजा करते हैं और खुशी से त्यौहार मनाते हैं। लाइक मैं अभी तो और मैं इसके लिए भी ब्लॉग बनाने वाली थी कि हम लोग एक यूट्यूब फैमिली बन गए हैं, तो मेरी फैमिली अभी हो गई है, आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब की फैमिली हो। तो मेरी फैमिली होने के नाते मैंने सोचा कि कुछ बातें जो पर्सनल होती है वो अपनी फैमिली को मतलब बतानी चाहिए, कि मैं ना लगे कि हाँ ये क्या है, मतलब कहाँ रहती हैं ये वो। तो थोड़ी सी मैं इस डिटेल देने वाली इस वीडियो में। मैं एक्चुअली यूपी की हूँ, बेसिक मेरा होम टाउन यूपी है, पर मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ मुंबई में। और मैं ब्लॉग भी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको लेके आऊँगी, पर ये मेरा अभी फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप इस समझ के सोच के लिए कि फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, और मैंने इसमें थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी किया है, मैंने थोड़ा सा मेकअप भी बताया है अपना, और मैंने कैसा लुक क्रिएट किया है वो भी मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दिया है। और मैं ये भी बताना चाहती थी कि मैं कहाँ मतलब ब्लॉग किया है, मैं यहाँ पर मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पर तो मैं बहुत सारे मैं आपको पूरा मुंबई दिखाने वाली हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा कुछ नॉर्मल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, आपको सबको ही पता है ये प्रॉब्लम, भगवान कब जाएगी कुछ मालूम नहीं। वैक्सीन तो आ गई है लेकिन क्या कब तक होने वाला है। तो जब तक ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फिर मैं आपके आपको मुंबई से सैर करिए, मेरे साथ पूरी मुंबई देखते हैं अपन की भाषा बोल दी। और मुंबई में तो पता है आपको कितनी बारिश होती है, तो बारिश के चक्कर में पूजा करने भी नहीं जा पाई मैं। एक तरफ छतरी लेती, फोन लेती, ब्लॉग कैसे मैं शूट करती। मैं सोची थी पूरी ब्लॉग बनाऊंगी कि वहाँ पे सब लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं सब लेडीजे। मैंने ये सोचा था कि मैं ये करने वाली हूँ, पर बारिश की वजह से मैं ये सब नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत बारिश है यहाँ पर। तो ये वीडियो भी शायद कल तक ही जाएगा, आज नहीं जा पाएगा क्योंकि मैं उपवास हूँ, तो अभी एडिट उडिट करने में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। और आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं उपवास हूँ, लेकिन मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है, मैं उपवास हूँ, और कल सुबह ही मैं पानी यूनी पीने वाली हूँ। तो डोंट वरी, ऐसा मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैंने रहती हैं, हाँ जिसकी शादी हो जाती है तो उनको तो अपने हस्बैंड के लिए इतना तो करना ही हो, वो हमारे लिए इतना करते हैं तो हम उनके लिए इतना कर ही सकते हैं। और भी कुछ आपको जो पूछना होगा मेरे बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। और बस इतना ही, आज का ब्लॉग इतना ही है, कल मैं और भी शूट करने वाली हूँ, देखती हूँ मैं कल का शूट कर पाती हूँ कि नहीं। सुबह उठ के मैं अगर होगा तो मैं शूट कर लूँगी, लेकिन मैं प्रॉमिस भी नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप लोग करिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। जिम में कर लिया है क्लीनिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजर, मैंने पहले से प्री स्किप कर लिया था
अब मैं डायरेक्ट प्राइमर लगा रही हूँ। ये प्राइमर है एरिजिया का, देखिए एरिजिया का एचडी प्राइमर है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको सामान मंगाया था जो नहीं आया था, उसमें से ये था प्राइमर। तो मैं फर्स्ट टाइम ये वाला प्राइमर यूज कर रही हूँ। जेल बेस प्राइमर है। प्राइमर लगाने चाहिए। प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़्यादा देर तक नहीं करेगा और मेकअप भी अच्छा निकल के आता है, अच्छा रहता है। प्राइमर यूज करना चाहिए मेकअप करने से पहले। तो इसके बाद मैं फिटमी का अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ। फिटमी का फाउंडेशन है ये। मैं ज़्यादा नहीं कवरेज दे रही हूँ, मेरे को हल्का ही चाहिए। अब अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का ही। मैं बहुत थोड़ा फाउंडेशन लगा रही हूँ। आई पे अपने आईड पे अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्यूटी ब्लेंडर से करने से मेकअप भी अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग से भी मेकअप होता है और मेकअप अच्छे से मिल जाता है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रहता है। इसको डैब 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 करके ऐसे ऐसे कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी मेरा कवरेज थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं, तो आप इसकी एक लेयर और लगा लीजिए, एक कोट और लगा सकते हैं। इसे मेकअप ज़्यादा कवरेज चाहिए, जिसकी मैं लगा के दिखा दे, मेरे को यहाँ थोड़ा सा कवरेज चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इसको मैं रफ नहीं कर रही, डैब डैब कर रही, मैं लूज पाउडर लगा रही, थोड़ा मैट फिनिश कर रही, ज़्यादा नहीं। मैं कंसीलर लगा रही हूँ। होता है डिफरेंट, इससे देखिए कितना अच्छे से मिल गया, और इसे थोड़ा टाइम लगता है इसको एडजस्ट करने में। अब मैं थोड़ा लूज पाउडर से इसको सेट कर देती हूँ। हल्का सा मैं फिर NY का है ब्लू लाइनर, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये ब्लू लाइनर लगाना था तो इसके लिए मैं ज़्यादा आई मेकअप नहीं कर रही। व्हाइट काजल लगाने वाली हूँ आज, मैं कोई काजल नहीं लगाने वाली हूँ अपने आई पे, तो ये मैं आई व्हाइट काजल से मस्करा लगाने में मैं थोड़ा अलग क्रिएट करना चाहती हूँ, दिखती हूँ अच्छा लगेगा तो।
अभी हो गई है रात, बज रहा है रात के 10:30 और मैं अब जा रही हूँ सोने, और अभी थोड़ा सा प्यास लग रही है लेकिन फिर मैं सो जाऊंगी तो सुबह हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो मैं जा रही हूँ सोने, मैंने बोला था मैं ब्लॉग करूंगी तो इसके लिए मैंने किया, और अब मैं जा रही हूँ सोने। मैं सुबह उठती हूँ फिर उसे बनाती हूँ, और मैं अपना मेकअप उतार के सोऊंगी। तो प्लीज आप कभी भी मेकअप उतार के ही सोया करिए, तो मेकअप उतार के मैं फिर सोऊंगी। तो चलिए मिलते हैं सुबह, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने पूजा वूजा कर ली है सारा और मैं तैयार हो गई हूँ, और लेकिन मैंने अभी पानी नहीं पिया है तो मैं जा रही हूँ पानी पीने। और यहाँ पे बहुत तेज बारिश है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो बारिश यहाँ पर हमेशा होती रहती है। तो और चाय मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मेरे लिए, और आज वही बनाने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो चाय वही बना रहे हैं और पानी भी मीठा मुठा सब उन्होंने बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मतलब तीज में क्या क्या छूते हैं, क्या करते हैं, भगवान को मतलब चढ़ाते हैं, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और हाँ, सुबह हो गई है और आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर शायद ख़त्म भी हो जाएगा। और खाना वाना बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, लेके आए हैं तो पनीर की सब्जी जो बनाने वाले हैं। और ब्लॉग मेरा अब यहीं ख़त्म हो जाएगा, तो मैं यहीं आपको टाटा बाय बाय बोल देती हूँ। अभी ये शायद आज तक, आज दोपहर तक मेरा वीडियो आ जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पूजा में किया है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और बाय बाय। ये हम लोग चढ़ाएंगे भगवान शंकर जी को, और फिर वो पंडित जो होते हैं वो ले लेते हैं, और फिर उनको ये भी दान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको भगवान को ये चढ़ाने वाली हूँ, पंडित जी को दान देने वाली हूँ, और भी मैं कुछ और देने वाली हूँ, तो सब मिल के मैं चढ़ाने के बाद पंडित जी को दान दे देंगे। ये बस यही होता है तीज में, ये सबसे अच्छी चढ़ा रहता है, ये सारी सुहागन की चीज़ें होती हैं जो लाइक देर आप देख सकते हैं। तो यही सब चढ़ाया जाता है माता पार्वती को, शंकर भगवान को, और ये पंडित जी को दिया जाता है, तो ये सब देने वाली हूँ मैं। तो बस यही है, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय, हैप्पी तीज।